हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मेयोनीज सैंडविच, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेयोनीज सैंडविच बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा बातचीत न करते हुए चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड की स्लाइस लिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, ब्रेड के जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसको कट कर देंगे। आप चाहो तो ब्राउन वाला हिस्सा भी रख सकते हो, लेकिन इससे क्या है ना कि फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम इसके ब्राउन वाला हिस्सा कट कर देंगे और व्हाइट वाला पार्ट रखेंगे। तो जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसका आप जो है ब्रेड क्रम्स बना करके यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका पोहा भी बना सकते हो, या कई तरीके के नाश्ते भी बनते हैं तो आप उसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 ब्रेड जो लिया हुआ था कट करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ कच्ची सब्जियाँ। तो यहाँ पे गाजर है, गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा मैंने खीरा लिया था उसको भी कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हो। थोड़ी सी हरी धनिया फ्रेशनेस के लिए लिया है मैंने, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और इसी के साथ मैंने लिया हुआ है थोड़ी सी पत्ता गोभी, इसको बारीक चॉप किया है। और फिर प्याज लिया हुआ है, इसको भी बारीक चॉप किया है। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल कीजिए। इसी साथ इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, तो आधा चम्मच डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया हल्का तीखा सा फ्लेवर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है होममेड मेयोनीज़, तो मैंने घर पर बनाया हुआ मेयोनीज़ लिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा कॉमेंट करके। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पे मेयोनीज कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से। बच्चों को मेयोनीज बहुत पसंद है, तो आप जब बच्चों के लिए सैंडविच बनाएं तो मेयोनीज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ब्रेड के पास जो हमने कट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया हुआ है, अब हम लेंगे मेयोनीज। तो मेयोनीज को हम 1 चम्मच लेंगे और उसके बाद फिर उसको ब्रेड के ऊपर रख करके अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है मेयोनीज का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया है, 2 चम्मच किया है, आप यहाँ पे ज़्यादा कीजिएगा अगर आपको पसंद है तो। और उसके बाद इसको अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर से भी आप चाहो तो थोड़ा सा मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम पसंद है इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छे से दूसरा ब्रेड रख के और प्रेस कर देंगे। इसे प्रोसेस हम दोनों सैंडविच को बना करके रेडी करेंगे। तो इसको भी हम ऊपर से रखेंगे और फिर प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सैंडविच की जैसे कट करेंगे। तो एक नाइफ लेंगे और उससे कट कर देंगे, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कट होकर के तैयार हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना टेस्टी दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इजीली बन करके रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। इसी प्रोसेस में हम सारा ब्रेड को कट करके रेडी कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इतना टेस्टी और लजीज हमारा मेयोनीज सैंडविच बन करके तैयार हो चुका है। गाइस, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।